मुंबई में आफत की बारिश ने सड़क, रेल, हवाई मार्ग सभी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई का लगभग हर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब चुका है। मुंबई का डोंबिवली स्टेशन का पटरियां भी बारिश के पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोकल ट्रेनें अपने समय से कई घंटे देरी से चलने को मजबूर हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद घरों में पानी घुसा। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई पानी पानी हो चुकी है, भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है, घर में पानी घुस चुका है और कहा जा सकता है कि मुंबई का पूरा सिस्टम ही पानी पानी हो चुका है। हर साल मुंबई में ऐसी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, क्योंकि पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है और ऐसे में लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये रेलवे ट्रैक आप देखिए जिस पर पानी है और इससे लोकल जो कि मुंबई की लाइफलाइन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, मुंबई का पूरा सिस्टम ही पानी पानी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार बारिश होती रही और जिस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरा, वो पानी रेलवे ट्रैक पर भी पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर पहुंचने के चलते जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें हैं वो भी थम गई पूरी तरह से। तो जिस तरह के हालात बने हैं, ये देखने वाली बात होगी अब सरकार और बीएमसी के लिए कि जो ये हालात बने हैं जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, हादसे सामने आए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में सबसे अहम चीज वक्त ये हो जाती है कि जिस तरह से हालात तो बने हैं वो दोबारा ना बने, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई के लिए खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले जो घंटे हैं उसमें मुंबई में मूसलाधार बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी सहित तमाम एजेंसियों को सतर्क और सुसज्जित रहने के लिए कहा है कि कोई भी स्थिति अगर पैदा होती है वो तुरंत उस पर जो है रिएक्ट करे और उस स्थिति से निपटने का इंतजाम करे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये आदेश जो है वो कितना असर एजेंसियों पर पड़ता है, क्योंकि जो हालात देखने को मिले हैं उसमें एजेंसियां पूरी तरह से नाकाम रही हैं जगदीश, और यही वजह है कि मुंबई कहीं ना कहीं लोग कहा यह जा रहा था कि मुंबई में पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही मुंबई जो है पानी में जा चुका है, पानी में डूब चुका है। कहीं ट्रैक पर पानी भरने की नौबत आई, कहीं गाड़ियां बहने की तस्वीरें सामने आई, तो कहीं ना कहीं स्थिति से निपटने के लिए अब एजेंसियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बिल्कुल रेड अलर्ट है, ऐसे में मुंबई के लोगों को जब जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। शुक्रिया दिवाकर आपका।